नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। 18 तारीख को बीजेपी के सभी राष्ट्रीय अधिकारियों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा ले सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी कार्य समिति का ऐलान करने के बाद पहली बार सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले ये महत्वपूर्ण पदाधिकारी बैठक है। 5 राज्यों के चुनाव से पहले पदाधिकारियों को चुनावी समर में कमर कसने और पार्टी की जीत सुनिश्चित करने को जिम्मेदारी दी गई है। कोरोना काल में अब तक का ये सबसे बड़ा चुनावी समर है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ऐतिहासिक जीत दोहराने की चुनौती है तो गोवा में तीसरी बार सत्ता में लौटने की जद्दोजहद भी है। पंजाब में अस्तित्व बचाए रखने और मणिपुर कांग्रेस को फिर पटकनी देने की जुगत लगाने की तैयारी करनी है, जिसके लिए बीजेपी ने ये खास अहम बैठक बुलाई है। तो 18 अक्टूबर को ये बैठक होनी है। जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। ये बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि इस बार जो चुनाव होने हैं उसमें उत्तराखंड और यूपी दोनों ही खास है, क्योंकि दोनों ही राज्यों में सरकार दोहराना चाहती है बीजेपी, एक बार फिर से अपनी सरकार बनाना चाहती है। तो वही गोवा में भी तीसरी बार सरकार बनाने के मूड में बीजेपी दिख रही है, यानी कि अपना पलड़ा भारी रखना है, पहले की तरह ही सबसे ज्यादा सीटें होनी चाहिए। जिस तरह से इस वक्त बीजेपी शासित राज्य है उनको छोड़ना नहीं चाहती है बीजेपी, ये नहीं चाहती है कि कोई और सत्ता में आ जाए और कोई राज्य उनके हाथ से चला जाए। तो ये बैठक काफी अहम होने वाली है क्योंकि इसमें रणनीति बनेगी चुनावों को लेकर, किस तरह से काम करे जाए, किस तरह से जनता को, वोटरों को लुभाया जा सके, किस तरह से परेशानियों को दूर करा जा सके, तरह तरह की रणनीति बनाई जाएगी। और 18 अक्टूबर को राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ जो बैठक बुलाई गई है उसमें चर्चा की जाएगी। धीमी रफ्तार के बाद भारत ने कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान को सुपर फास्ट कर लिया है। अब देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार इतनी तेज है कि कुछ दिनों में 100 करोड़ का आंकड़ा छू लिया जाएगा। भारत के इस सफल अभियान से वर्ल्ड बैंक भी खासा खुश नजर आ रहा है। प्रेसिडेंट डेविड मालपास ने भारत के टीकाकरण अभियान को काफी सफल बनाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात के दौरान डेविड मालपास ने कहा कि कोरोना खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत ने शानदार काम किया है। वैक्सीन प्रोडक्शन में भी भारत का योगदान तारीफ योग्य है। इसके अलावा मुलाकात के दौरान क्लाइमेट चेंज पर भी विस्तार से बात की गई। कहा गया कि भारत को प्रभावशाली योजनाओं के जरिए लक्ष्यों को समय रहते हासिल करना होगा। तो वर्ल्ड बैंक ने भारत की तारीफ की है, वो चाहे आर्थिक व्यवस्था को सुधारना हो या फिर क्लाइमेट चेंज पर बात करनी हो या फिर वैक्सीन के प्रोडक्शन की बात करनी हो, क्योंकि ये तीनों ही अहम मुद्दे हैं। जिस तरह से कोरोना काल में अर्थव्यवस्था को संभाला, उसके बाद वैक्सीनेशन के प्रोडक्शन को बढ़ाया और बाकी देशों में भी निर्यात किया, फिर क्लाइमेट चेंज के अनुसार जिस तरह से देश में चीजों को संतुलित रखा, तो ये तीनों ही चीजों को लेकर काफी तारीफ की गई है। टीकाकरण अभियान को सफल बनाया गया है वर्ल्ड बैंक ने इन सभी चीजों को लेकर, और जो तरीके अपनाए गए, जिस तरह से अर्थव्यवस्था को संभाला गया और वैक्सीनेशन के लिए जिस तरह से काम किया गया, दुनिया को सहायता दी गई, तमाम चीजों को लेकर बात करी गई और तारीफ की गई भारत की। आपको बता दें कि धीमी रफ्तार के बाद भारत ने कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान को सुपर फास्ट कर लिया है। देश में इस वक्त सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है, जिसकी देश ही नहीं दुनिया में भी तारीफ की जा रही है। और अब वैक्सीनेशन की रफ्तार इतनी तेज हो गई है कि कुछ दिनों में 100 करोड़ का आंकड़ा छू लिया जाएगा, यानी सबसे तेजी से भारत में वैक्सीनेशन हो रहा है और साथ ही दुनिया को मदद भी की गई है। भारत के सफल अभियान से वर्ल्ड बैंक की खासा खुश नजर आ रहा है और प्रेसिडेंट डेविड मालपास ने भारत के टीकाकरण अभियान को काफी सफल बताया है और साथ ही सराहना भी की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात के दौरान डेविड मालपास ने कहा कि कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत का शानदार काम रहा है। वैक्सीन प्रोडक्शन में भी भारत का योगदान तारीफ योग्य रहा है।
दक्षिण के राज्य केरल में लगातार हो रही बारिश के कारण नदियां उफान पर है। कई जगह लैंडस्लाइड के कारण हालत बेकाबू हो रहे हैं। तो वहीं अब मिली जानकारी के मुताबिक कोट्टायम में 6 शव मिलने हैं जबकि 4 अभी भी लापता हैं। केरल में आसमान से बरसती तबाही की बारिश ने कईयों को बेघर कर दिया है। वहीं अरब सागर में लो प्रेशर एरिया केरल तट तक पहुंच गया है जिससे दक्षिण और मध्य केरल में भारी बारिश हो सकती है। केरल में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में रेड और ऑरेंज अलर्ट लगाया गया है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने राज्य में 5 जिलों में भारी बारिश होने की आशंका जताई है और इसके मद्देनजर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो तस्वीरें सामने आ रही किस तरह से आसमान से कहर बरस रहा है जिसने कई लोगों को बेघर कर दिया है। कई शव मिले हैं और कुछ लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। वहीं आईपीएल 2021 में लीग क्रिकेट के रोमांच के बाद आज से टी20 में इंटरनेशनल तड़का लगने वाला है। आज से यूएई और ओमान में क्रिकेट के महाकुंभ टी20 वर्ल्ड कप का आगाज होने जा रहा है। टूर्नामेंट में सुपर 12 की 4 अन्य टीमों का फैसला करने के लिए आज से क्वालिफायर राउंड की शुरुआत हो रही है। इस राउंड में आज पहला मुकाबला ओमान और पापुआ न्यू गिनी के बीच खेला जाएगा। दोपहर 3:30 बजे से ओमान क्रिकेट अकादमी ग्राउंड में ये मुकाबला खेला जाएगा। इसके बाद शाम 7:30 बजे से इसी मैदान पर बांग्लादेश और स्कॉटलैंड के बीच मुकाबला होगा। सुपर 12 में आईसीसी टी20 रैंकिंग के आधार पर टीम इंडिया समेत 8 टीमें पहले ही क्वालिफाई कर चुकी हैं जबकि 4 अन्य टीमों का फैसला 8 टीमों के बीच आज से शुरू हो रहे क्वालिफायर राउंड से होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चा तेल महंगा होने से घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल रोजाना नए शिखर को छू रहा है। तेल की कीमतों पर महंगाई 7वें आसमान पर है। ईंधन के दामों में बढ़ोतरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। तेल विपणन कंपनियों ने आज यानी 17 अक्टूबर को फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल दोनों ही ईंधन की कीमतों में वही पेट्रोल 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया गया है। लगातार महंगा होने के साथ ही पेट्रोल और डीजल के रेट रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं। तो पेट्रोल डीजल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, बिना रुके बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अक्टूबर में लगातार ये 35 पैसे की बढ़ोतरी पेट्रोल डीजल के दामों में आए दिन होती नजर आती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चा तेल महंगा होने से घरेलू बाजार में भी इसका खासा असर देखने को मिल रहा है और रोजाना नए रिकॉर्ड बना रहा है पेट्रोल डीजल का नया दाम। तो तेल की कीमतों पर महंगाई 7वें आसमान पर है। ईंधन के दामों में बढ़ोतरी का सिलसिला रुक नहीं रहा है। तेल विपणन कंपनियों ने आज एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी की है। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल दोनों ही ईंधन की कीमतों में 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया है। पेट्रोल 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। लगातार महंगा होने के साथ पेट्रोल और डीजल के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। कई जगह पर शतक को पार कर गया है पेट्रोल और डीजल का दाम। दो दिवसीय धार्मिक यात्रा पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रामनगरी अयोध्या पहुंचे जहां नया घाट स्थित यात्री निवास सरयू होटल पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं मुलाकात के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भगवान राम का शासन हमारे लिए एक आदर्श है, उसी आदर्श को आत्मसात कर जनता तक विकास की योजनाओं को पहुंचाया जाए, इसी उद्देश्य के साथ भगवान राम का आशीर्वाद लेने आया हूँ। उन्होंने कहा कि बचपन से अयोध्या आता रहा हूं। साथ ही धामी ने कहा कि हमारी सरकार किसानों के हित के लिए काम कर रही है और पीएम ने लगातार किसानों के हित में काम किया है। बता दें कि सीएम धामी ने हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि तक जाने वाली राम बारात में भी शामिल हुए। जहां तक हमारे उत्तराखंड का प्रश्न है, हम लोग, मैं स्वयं किसान परिवार से हूँ, सैनिक परिवार से भी हूँ, किसान परिवार से भी हूँ, उनके बीच से हूँ। हम लोग लगातार किसानों के लिए काम कर रहे हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लगातार किसानों के लिए, आज किसान सम्मान निधि योजना हो, अन्य योजनाएं हो, किसानों की आय दुगनी कैसी हो, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और हमारे यहाँ के सारे किसान ये बात समझते हैं, क्षेत्र से जानते हैं। मुख्यमंत्री, ये कहा जा रहा है कि आप उत्तराखंड के साथ साथ में उत्तर प्रदेश की भी राजनीति करेंगे, क्या है?
नहीं नहीं अभी मैं अभी मेरे पास उत्तराखंड का काम है, उत्तराखंड की जनता की सेवा करूँ। मेरी पार्टी ने, मेरे हाईकमान ने मुझे उत्तराखंड का ही काम दिया है और ये मेरा कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये विशुद्ध रूप से मेरी धार्मिक यात्रा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी और अयोध्या पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ बात की, साथ ही मीडिया से भी रूबरू हुए। दो दिवसीय अयोध्या के दौरे पर है पुष्कर सिंह धामी और उन्होंने ये भी बताया कि वो शुरू से अयोध्या आते रहे हैं और साथ ही वो किसान और आर्मी परिवार से जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से वो किसानों के लिए भी ज्यादा काम करते हैं। बीजेपी सरकार किसानों के लिए काम कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार किसानों के लिए काम कर रहे हैं, तो तमाम चीजों का वर्णन किया। साथ ही उन्होंने बताया कि जनता तक सारी सरकारी सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी। कार्यकर्ताओं से बात भी की और कार्यकर्ताओं से बात करने के दौरान उन्होंने इस बात के निर्देश भी दिए कि जितनी सरकारी योजनाएं हैं उसके बारे में जानकारी और लाभ जनता तक पहुंचाया जाए, यही बीजेपी का उद्देश्य है। साथ ही यह भी बताया कि बीजेपी लगातार जनता के हितों में काम कर रही है, किसान के हितों में काम कर रही है। लगातार बीजेपी ने सरकार के हितों में काम किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के लिए काम कर रहे हैं, तो तमाम चीजें उन्होंने बताई। तो अयोध्या पहुंच चुके हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, दो दिवसीय धार्मिक यात्रा पर है। राम मंदिर में पूजना अर्चन भी करेंगे, साथ ही हनुमानगढ़ी के दर्शन भी करेंगे। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनाव है तो उसके लिए भी कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक की और बैठक करके उन्होंने इस बात को साफ कर दिया है कि राजनीति तो चलती ही रहती है लेकिन चुनावी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं, और जिसके चलते अब ये उत्तराखंड के सीएम का दौरा है, जो कि अयोध्या धार्मिक नगरी, राम की नगरी अयोध्या का जो दौरा है वो काफी अहम भी माना जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए अयोध्या काफी अहम रही है, वो चुनाव के मद्देनजर हो या फिर जो है जनता से जुड़ी हुई हो, क्योंकि राम का मुद्दा हमेशा ही बीजेपी ने उठाया है और धार्मिक नगरी भी है, क्योंकि सभी जब यहाँ दर्शन करने आते हैं और अब राम मंदिर भी बन रहा है तो सभी का आना जाना तो लगातार लगा ही रहेगा। और चुनावी माहौल में जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी अयोध्या आए हैं तो ये काफी खास माना जा रहा है, और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मिले, दो दिवसीय धार्मिक यात्रा पर है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और नया घाट स्थित यात्री निवास सरयू होटल में रुके और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। वहीं मुरादाबाद जनपद में केंद्र मंत्री और यूपी भाजपा के चुनाव प्रभारी मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुरादाबाद में पहुंचकर पार्टी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ एक निजी होटल में बैठक की। बैठक के बाद मुरादाबाद मंडल में सिर्फ 25 नेताओं को आमंत्रित किया गया था, जिसमें यूपी चुनाव के मद्देनजर चर्चा की गई। मीटिंग के अंदर विधायक, मंत्री, राज्य मंत्री और अन्य जनप्रतिनिधि शामिल रहे, जिनके साथ धर्मेंद्र प्रधान ने बैठक की। भारत सरकार की ओर से रामपुर में हुनर हाट की आज उद्घाटन करने की ये कार्यक्रम था। विशेष करके हमारी समाज में जो कौशल्य है, परंपरागत आर्टिसन है, कुम्हार है, बढ़ाई है, सोनार है, लोहार है, पसमंदा बुनकर लोग हैं, ये सभी वर्गों को अपने परंपरागत तरीके से जो प्रोडक्शन होती है उसको बड़ा मार्केटिंग ब्रांड मिले, उनकी उपज बिक्री हो पाए, इसीलिए माइनॉरिटी विभाग ने हुनर हाट की कल्पना लाई है। उनकी भी उत्पादित चीज आने वाले दिनों में ई पोर्टल पे, सरकार की जो जेम पोर्टल है उनमें भी बिक्री कर पाएंगे, उसकी भी आज काम शुरू किया गया।
संभल से भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष का विवादित और भड़काऊ बयान देते हुए एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो संभल सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का नाम लिए बिना जुबान काटने की बात मंच से कह रहे हैं। और भाजपा नेता ने कहा कि तालिबान का समर्थन करने वाले ऐसे किसी भी व्यक्ति को देश में नहीं रहने दिया जाएगा। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि बहुत से लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता कायम होनी चाहिए, हम भी नहीं चाहते हैं, और ये केवल गोल्ड टोपी पहनने से नहीं होगी। इस समाज के ऊपर, इस धर्म के ऊपर कहीं संकट आए तो जिस प्रकार से आप सब लोग यहाँ भारी संख्या में इकट्ठे होकर आज इस रामलला के कार्यक्रम को सफल करने में लगे हुए हैं, आने वाले समय के अंदर भी पूरे आशा ही नहीं पूरे विश्वास है कि आप एकजुट होकर अपने समाज के सम्मान के लिए, अपने धर्म के सम्मान के लिए आप एकजुट होकर उसका संघर्ष करेंगे, उसके लिए आप प्रयास करेंगे। ऐसा लखीमपुर के तिकोनिया में एक बवाल में भाजपा कार्यकर्ता ने नारेबाजी की। भाजपा कार्यकर्ता ने भारी संख्या में एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए कहा कि आशीष निर्दोष है, इनको छोड़ा जाए और जो लोग दोषी हैं उन्हें फांसी दी जाए। और कार्यकर्ताओं ने कहा कि कई भाजपा कार्यकर्ता को लाठी डंडों से पीट पीट कर मार दिया गया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही हो और उन्हें न्याय दिया जाए। इसके संबंध में आज निघासन ने उच्च अधिकारियों को सौंपा और कहा कि 14 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। निघासन चौराहे पर भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता पहुंचकर नारे लगाते हुए राकेश टिकैत मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी।